गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.4 करेंगे जो रंगखंड फिल्में का आधारित है। तो इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको गुणनखंड फिल्में के बारे में, गुणनखंड फिल्में जो होती है आपकी, अगर ई एक्स कोई ऐसा बहुपद है जिसकी घात या तो एक है या एक से ज्यादा है और ए कोई वास्तविक संख्या है, तो दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन ये आती है यदि पीए बराबर जीरो है, ये बराबर जीरो है, अगर बहुपद में एक ही वैल्यू रहती है, एक इसका एक का मान रख दें तो ये बहुपद जीरो आ गया, तब एक्स माइनस एक एक्स का ये गुणनखंड होगा। इसके विपरीत में ये है कि एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो भी ये जीरो होगा। दोनों बातें हैं, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, पी ए बराबर जीरो है तब एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पे कह रहा है एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है तो पी ए का वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पे जीरो होने पे गुणनखंड होगा, यहाँ पे गुणनखंड होने पे जीरो होगा। दोनों बातें हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा एक बहुपद का गुणनखंड है? निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड है? अब गुणनखंड है तो क्या करना चाहिए, ये वाला पहला वाला पार्ट लगेगा इसका है? तो बहुपद पहला आपका जो है, ये हम साथ साथ लेते जाते हैं, पहला लेंगे और तीसरा लेंगे, बाकी सेकंड वाला आप कर देंगे, पहला और चौथा, सेकंड और थर्ड आप करेंगे। पहला ले लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है देखो x+1। अब यहाँ पे ये gx मान लो, gx=x+1 और ये जीरो है, क्या है जीरो है, तो ये x+1 एक्स की वैल्यू जो आ गई वो -1 आ गई, इतनी आ गई -1। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें चेक करना है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। एक्स की वैल्यू -1 रखने पे अगर पी ए जीरो आ जाता है तो आपका ये गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे ये पहला वाला क्वेश्चन है, पार्ट है x³ + x²+x+1। अब ये वैल्यू रख देते हैं x=-1, x=-1 रखो यहाँ पे, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 +1। अब ये -1 का होल क्यूब ये -1 हो गया, ये -1 का होल स्क्वायर ये +1 हो गया, ये -1 हो गया प्लस माइनस और ये प्लस हो गया, देखो ये क्या हो गया, घट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई जीरो। अब पीए की वैल्यू कितनी आ गई जीरो आ गई, जब पीए की वैल्यू जीरो आ गई अतः x+1 दिए बहुपद का गुणनखंड, ठीक है, ये हो गया। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ थोड़ा आपको ऐसा लगेगा रूढ़ में है तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो, इसलिए कर लेते हैं। ये दे रखा है x²-2+√2x+√2। काम वही करना है, x की वैल्यू -1 रखो यहाँ पे, देखो -1 रख देते हैं, -1 का होल क्यूब माइनस
माइनस वन स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू और ये माइनस वन रख दिया और ये प्लस का रूट टू हो गया, ये तो माइनस वन हो गया, ये भी माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और ये माइनस, तो इसलिए माइनस वन हो गया। अब इसको खोलेंगे तो ये माइनस अब ये माइनस, ये प्लस का टू हो गया। यहाँ पे ये इसी के साथ काम करेगा तो ये भी प्लस का रूट टू हो जाएगा और प्लस का रूट टू हो गया, प्लस का क्या हो गया रूट टू। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका माइनस टू और प्लस टू, ये आपका कट गया प्लस टू और प्लस रूट टू, और प्लस रूट टू कितना आ गया टू रूट टू, जो जीरो के बराबर नहीं है। तो जीरो के बराबर नहीं है अतः यह दिए बहुपद का गुणनखंड नहीं, ठीक है। ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब पहले क्वेश्चन के बाद हम करेंगे, इसके दो पार्ट आप अपने आप करेंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर टू है, गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके बताइए कि प्रत्येक स्थितियों में जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे जीएक्स पीएक्स ये दे रखा है और जीएक्स ये दे रखा है, तो इस कंडीशन में करते क्या है बेटा, जीएक्स की वैल्यू जीरो रखो और उसका वैल्यू निकाल लो एक्स की, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। अगर ये पुट करने पे पीएक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, पीएक्स की वैल्यू जब जीरो आ जाए तो आपका ये इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे जी एक्स बराबर जीरो जब रखेंगे, ये एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस वन आ गया। अब एक्स इक्वल टू माइनस वन इसमें रख दीजिए पीएक्स में, यहाँ टी माइनस वन निकाल लीजिए, टी माइनस वन इक्वल टू टू इंटू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन। अब ये कितना हो गया, ये माइनस का टू हो गया, ये माइनस का प्लस का वन हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का टू हो गया, ये माइनस का वन हो गया। अब ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये कितना आ गया जीरो, पी माइनस वन बराबर है जीरो, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। बस सिंपल सी इतनी सी बात करनी है। इसके जो थर्ड तीन पार्ट हैं, वो तीनों पार्ट आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका थर्ड पार्ट एक हम और कर लेते हैं। कहां से कर दिया, पी एक्स स्क्वायर टू ये दे रखा है, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस सिक्स, और जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री दे रखा है, तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया थ्री आ गया। तो अब पी थ्री निकाल लें, पी थ्री की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर ये जीरो है तो ये एक्स माइनस थ्री इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो निकालेंगे थ्री रखी है इसकी वैल्यू, थ्री क्यू माइनस फोर इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, तो थ्री स्क्वायर थ्री क्यूब कितना हो गया ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, और माइनस फोर और ये थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन प्लस थ्री प्लस सिक्स, अब ये कितना हो गया बेटा माइनस फोर एक्स क्यूब एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, तो एक्स माइनस थ्री है तो एक्स स्क्वायर टू थ्री हो गया, थ्री यहाँ पे रखा आपने तो एक्स क्यूब ये आपका हो गया थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन, और माइनस फोर और एक्स स्क्वायर फोर नाइन सा थर्टी सिक्स हो जाएंगे, थ्री का स्क्वायर करोगे तो ये नाइन हो जाएगा, और प्लस एक्स ये थ्री है एक्स और प्लस सिक्स प्लस का आपका सिक्स है, तो ये आपका कितना हो गया बेटा ट्वेंटी सेवन, और ये माइनस का थर्टी सिक्स, और ये कितना हो गया बेटा
3 और 6 9 और 27 ये कितना हो गया 36 नहीं 36 नहीं हुआ बेटा, हाँ 36 ही हो गया प्लस का और ये माइनस का 36, ये कितना आ गया 0 आ गया। ये जब 0 आ गया तो ये इसका gx px का एक गुणनखंड है। अब ये जीरो है, ये जीरो है तो gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन आप अपने आसानी से कर लोगे, एक पार्ट रह गया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो प्रॉब्लम है वो आती है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड होने की स्थिति में क्या होता है, जब गुणनखंड है x माइनस वन तो x की वैल्यू रखने पे ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। इस वजह से फर्स्ट पार्ट है ये पी एक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के। अब एक्स माइनस वन इसका वन खंड है तो एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 रखा आपने तो एक्स इक्वल टू 1 आ गया। अब वन रखने पे एक्स इक्वल टू 1 रखने पे पी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यानी कि पी वन आपका 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0 रख दीजिए। ये 0 बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो ये कितना हो गया k प्लस 2 इक्वल टू 0 k इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से एक और कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो रूट में है, सेकंड और थर्ड सेकंड पार्ट कर लेते हैं और बाकी दो पार्ट आप अपने आप करोगे। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है ये पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 एक्स प्लस रूट 2 ये दे रखा है। ये इसमें k की वैल्यू निकालनी है, वही रख दीजिए यहाँ पे, यानी कि p1 निकाल लीजिए, फैक्टर वही है p1 बराबर 0 रख दीजिए p1 क्यों, क्योंकि x माइनस 1 बराबर 0 था तो p एक्स की वैल्यू वन आ गई, एक्स इससे वन एक इसका रूट हो गया। तो आप ये 0 रखो बराबर 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2, तो ये कितना आ गया बेटा 2 आ गया प्लस के प्लस रूट 2, तो के इसकल टू जो हो गया माइनस 2 प्लस इसकी वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं, जो स्प्लिट करके दो टर्मों में स्प्लिट करके जिसमें गुणनखंड हमको निकालने हैं। कोई बात नहीं, जब लिख लू तब चलाना। गुणनखंड हो गए, ये जो मिडिल टर्म है मध्यपद है इसको स्प्लिट करके करेंगे। देखो ये जो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एसी के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं जिनका ये प्लस है तो सम देखेंगे और ये माइनस है तो डिफरेंस देखेंगे। तो 12 आंसर 12 हो गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर करना है
जिनका सम कितना हो, जिनका सम हो माइनस ए बी। तो अब क्या हो सकता है, देखो 12 के ऐसे फैक्टर कौन से हो सकते हैं जो जिनका सम माइनस सेवन हो, माइनस फोर, फोर थ्री जार माइनस फोर, माइनस थ्री हो गया माइनस फोर। चलो